देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो मिंत्रा से शॉपिंग करना यदि आपको पसंद है, जो कि ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि मिंत्रा में जो ब्रांड्स जिस प्राइस में अवेलेबल होते हैं वो शायद कहीं नहीं होते। सो आज की वीडियो होने वाली है मिंत्रा हॉल और रिकमेंडेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप ये सारी चीजें बाय कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो के लिए मैंने काफी डिफरेंट टाइप की चीजें ऐड की हुई हैं। मोस्टली यहाँ पे कॉटन के ही आइटम मैंने रखे हुए हैं, लाइक कॉटन कुर्ता सेट्स, ड्रेसेस, कुछ पार्टी वेयर आइटम भी हैं और फ्लोरल सूट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन इस बार मैंने ऐड किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक ब्रांड जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए वो है लिबास। लिबास पे आपको 60-70% ऑफ मिल जाएगा और लिबास के जो क्लोथ्स होते हैं ना, जो सेट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। पार्टी वेयर सेट्स भी आप देख सकते हो और मैंने जो लिया हुआ है ना, ये भी पार्टी वेयर सेट्स ही हैं बट कॉटन में है, सिंपल सोवर एलिगेंट लुक के लिए। और जो फर्स्ट पीस है ये आप लेना ही लेना, मतलब ये मेरा फेवरेट है। ये आप देखो, ये बहुत ही सुंदर प्योर कॉटन में एक सूट का सेट है जिसमें काफ़ी हैवी वर्क किया हुआ है। लाइक ये पूरी जो थ्रेड एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हो ना, ये नेक में बहुत ही सुंदर सा काम किया हुआ है जो काफ़ी सुंदर लगता है पहनने पे। लिबास की फिटिंग अमेजिंग आती है। मैंने साइज़ लिया हुआ है मीडियम और ऐसा लगता है जैसे मेरे लिए ही किसी टेलर ने स्टिच किया हुआ, इतनी अच्छी इनकी फिटिंग होती है। स्लीव्स इसमें आपको मिल जाएंगे 3-4 एंड स्लीव्स में भी यहाँ पे देखोगे तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाली लेस लगाई हुई है। पूरे कुर्ता में ना यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हुए हैं जो कि एम्ब्रॉयडरी की हुई है, प्रिंट वगैरह नहीं है। काफ़ी सुंदर सी डिटेलिंग है और साइड साइड में इस तरह की लेस लगाई हुई है। बैक में कुछ भी नहीं है, बैक प्लेन है। और हाँ, इसके साथ में ना सेम ही कलर की लाइनिंग भी इसमें लगाई हुई है, तो ट्रांसपेरेंट ये नहीं है बट बेस्ट होगा कि लाइट कलर में आप न्यूड कलर के इनरवेयर पहनो जो सही रहता है। पैंट इसमें आपको सेमी इलास्टिक वाला मिलेगा, बैक में इलास्टिक है, फ्रंट में नहीं है। ये भी प्योर कॉटन मटेरियल में है एंड नीचे में ना बॉटम में बहुत ही सुंदर सा इस तरह का काम मिलेगा। ये है फ्रंट का पार्ट एंड बैक दोनों साइड में आपको काम मिलेगा एंड बॉटम में भी यहाँ हाफ तक लाइनिंग लगाई हुई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में इसमें पॉकेट्स भी हैं, तो पॉकेट में आप कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो। दोनों साइड में इसमें पॉकेट्स दिए हुए हैं। तो ये सूट तो है बहुत ही सुंदर बट जो इसमें सबसे ज़्यादा सुंदर है वो है इसकी दुपट्टा। इतनी प्यारी कॉटन की दुपट्टा ना गाइस, आज तक मैंने तो नहीं देखी है, अभी तक मुझे इतनी प्यारी दुपट्टा नहीं मिली हुई है जो इतनी ज़्यादा सुंदर है ना। पूरे मलमल कॉटन में आप देखोगे तो पूरी इस तरह की ना थ्रेड एम्ब्रॉयडरी की हुई है पूरे ही दुपट्टा में इस तरह से। आई होप आपको ये दिख रहा हो, बहुत ही सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई है एंड पूरे दुपट्टा में इस तरह की लेस का पैटर्न है। सब तरफ चारों तरफ आपको ये लेस मिल जाएगी। तो ये जो दुपट्टा है इसकी लेंथ भी ना प्रॉपर दुपट्टा है, जैसे लहंगे के लंबे लंबे दुपट्टा होते हैं ना वैसे ही ये दुपट्टा है, तो काफ़ी सुंदर दुपट्टा है। लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इस दुपट्टा की। लिबास से मैंने एक और पीस मंगवाया है जो कि है पिंक कलर में और ये कलर इतना ज़्यादा सुंदर है ना, बबलगम पिंक कलर है और वी नेक में है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऑल्सो ये आलिया कट पैटर्न में है, तो नेक का पैटर्न देखो कितना प्रिटी लगता है। इस तरह का जो नेक का पैटर्न है ना ये काफ़ी सुंदर लगता है पहनने पर, मतलब बॉडी टाइप आपकी ना काफ़ी अच्छी लगती है टॉप से। तो इस तरह से इसमें वी नेक है, साथ ही में आलिया कट है। स्लीव्स इसमें आपको 3-4 मिल जाएंगे एंड यहाँ साइड से भी इसमें कट है और ये ए लाइन पैटर्न में है इस तरह से। ये पिंक कलर तो सुंदर है ही, प्योर कॉटन मटेरियल में है एंड इसमें आप देखोगे ना इस तरह के रोज बनाए हुए हैं येलो कलर के एंड ब्लू कलर के लीव्स है। इसका कलर पैटर्न काफ़ी यूनिक डिफरेंट सा लगा तो मुझे ये वाला सेट भी बहुत पसंद आया है एंड क्वालिटी गाइस इसके टॉप की है, बिल्कुल प्योर कॉटन मटेरियल में है। नाउ इसमें जो बॉटम वेयर है वो कुछ इस तरह से है, सेम कलर है, प्रिंट डिफरेंट है इसमें एंड ये भी सेमी इलास्टिकेटेड है, बैक में ओनली इलास्टिक है और इसमें भी दोनों साइड में पॉकेट्स दिए हुए हैं और ये इस तरह से स्ट्रेट पैंट्स है। नाउ इसमें जो दुपट्टा दी हुई है गाइस ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, ये गले में लेने वाली दुपट्टा है और नेट की दुपट्टा है, प्लेन है, जस्ट ये बॉर्डर्स दिए हुए हैं इस तरह से।
सो ये भी दुपट्टा की लेंथ प्रॉपर है, गले में लेने पे काफी अच्छी लगती है। सो ये दोनों सेट थे लिबास से। नाउ जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वो भी एक फ्लोरल सूट है, बट ना ये थोड़े डिफरेंट पैटर्न में लग रहा था, लाइक इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना काफ़ी रॉयल लग रहा था। इस टाइप का मैंने इससे पहले कुछ ट्राई नहीं किया है। सो ये आप देख सकते हो, ये पॉलिस्टर मटेरियल में है, ब्रांड है अहल्या, एंड कुछ इस तरह से इसमें वी नेक का पैटर्न बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये मरून कलर का फैब्रिक है, बाकी पूरे में आप देखोगे तो बेज कलर का फैब्रिक है जिसमें फ्लोरल प्रिंट है। तो ये थोड़ा सा ना जो ओल्ड टाइप के डिज़ाइन होते हैं ना उस टाइप की वाइब दे रहा था। ना इसमें स्लीव्स भी वैसे ही हैं, फुल स्लीव्स है, और यहाँ पे ये मरून कलर की, सॉरी बरगंडी कलर की चौड़ी सी बॉर्डर दी हुई है। इसमें लेस की भी डिटेलिंग है, साथ ही में यहाँ पे फॉइल प्रिंट किया हुआ है। नाउ इसमें आप फ्लोरल प्रिंट देखोगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब प्रिंट्स के जो कलर है, जो डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। कुर्ता में आपको साइड में पॉकेट भी मिल जाएगा जो काफ़ी डीप पॉकेट है, और ये इस तरह की ए लाइन कुर्ता है गाइस। अच्छी खासी फ्लेयर है इसमें, और काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं। इसका जो बैक है ना, बैक में भी आपको सेम यहाँ बीच में ये बरगंडी कलर का पैटर्न मिलेगा जिसमें कि गोल्डन प्रिंट है, बाकी पूरे इस तरह से है। इसके साथ में मिलने वाला है आपको एक सेमी इलास्टिकेटेड स्ट्रेट प्लाजो पैंट्स, ओनली बैक में इलास्टिक है, सेम फैब्रिक में है और सेम पैटर्न है जैसा कि आप देख सकते हो। ये वाला सेट ना पहनने के बाद थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा था, मतलब जैसे कि ओल्ड टाइप के डिज़ाइन होते हैं ना, जो अनारकली टाइप का पैटर्न, उस टाइप का पैटर्न लग रहा था। तो थोड़ा डिफरेंट आप पहनना चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास, ये है एक मरून कलर की सरारा एंड शॉर्ट कुर्ती का सेट, एंड ये है ब्रांड इंडिया से, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, किसी भी वेडिंग फंक्शन में आप पहन सकते हो आराम से। ये अंगरखा स्टाइल पैटर्न में है, इसलिए ये यहाँ से ओपन है, इस तरह से आएगा इसका पैटर्न, इस तरह से इसका पैटर्न आता है, और साइड में ये बांधने के लिए दिया हुआ है, एंड यहाँ पे भी अंदर से भी इसमें बांधने के लिए दिया हुआ है, ये देख सकते हो। तो आपको टाई करना है दोनों साइड से, और बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन जाता है इसका। एंड इसमें जो स्लीव्स मिलेंगे आपको वो फुल मिल जाएंगे, और ये जॉर्जेट मटेरियल में है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर में इसमें लाइनिंग भी लगाई हुई है। तो ये है हमारे टॉप का पार्ट। नाउ इसमें जो सरारा मिलने वाला है आपको वो स्ट्राइप वाले पैटर्न में है, और जो इसका कलर है वो बिल्कुल लाइट पिंक एंड मरून का कॉम्बिनेशन है, सेमी इलास्टिक में है, ओनली बैक में इलास्टिक मिलेगी आपको, एंड इस तरह से है ये शरारा। तो ये जो पैटर्न है ना इनका, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर भी नहीं है, प्रॉपर एथनिक वेयर है, जो आप किसी भी फेस्टिवल और वेडिंग फंक्शन में पहनोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो आइटम है मेरे पास वो है एक येलो और ऑरेंज, ये येलो भी नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, दोनों का मिक्स का कलर है, और ये बहुत ही सुंदर सी ना ड्रेस है, मतलब कुर्ता भी आप बोल सकते हो और एज अ ड्रेस भी आप पहन सकते हो, दुपट्टा ले लोगे तो ये आपका एक सूट का सेट बन जाएगा। तो ससफराज ब्रांड में ना बहुत सुंदर सुंदर इस तरह के फुल लेंथ वाले कुर्ताज आते हैं, जिनको आप एज अ ड्रेस भी पहन सकते हो और एज अ सेट भी पहन सकते हो। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, खास करके इसका नेक का पैटर्न देखो कितना ज़्यादा सुंदर है, इस तरह का नेक का पैटर्न है, और बैक भी इसका देखोगे ना तो काफ़ी डीप है, इस तरह से यहाँ से इस तरह से डीप है, और बैक में ये बांधने के लिए भी दिया हुआ है, और इसको आपको पहनने में दिक्कत ना आए इसके लिए यहाँ पे साइड में जिप भी दिया हुआ है, क्योंकि ये पहनने के बाद काफ़ी अच्छा फिट हो जाता है आपके बॉडी पे। नाउ गाइस ये आप देखो, ये फुल लेंथ की अनारकली कुर्ता है इस तरह से, एंड इसका कलर पैटर्न मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, मस्टर्ड येलो कलर में ना ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और इसके साथ में आप चाहो तो ऑरेंज या फिर ये वाला जो कलर है ना, लाइट सा ग्रीन कलर है, इस कलर में आपके पास दुपट्टा हो ना तो आप इसके साथ में उसको ऐड कर सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। अदरवाइज एज इट इज़ आप इसको ड्रेस के जैसे भी पहनो तो बहुत ही सुंदर है ये। ऑल्सो ये जॉर्जेट मटेरियल में है, एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और समर में ये ड्रेस पहना हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये है मेरी नेक्स्ट आइटम। कुछ पार्टी वेयर सेट्स भी मैंने ऐड किए हैं, जिसमें है फर्स्ट ये वाला आइटम जो कि है ब्रांड ग्लोबस से, और ग्लोबस में अभी काफ़ी सुंदर सुंदर वेडिंग सूट्स आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न में, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके जो स्लीव्स हैं
पाकिस्तानी स्टाइल में है, पर देखो कितने ज़्यादा हैवी है, मतलब हैवी वर्क है इसमें, गोटा पत्ती है जरी का, तो इसका स्लीव्स का पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इसलिए मैंने इसको मंगवाया, और पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। सो, इसमें जो नेक का पैटर्न है आप देख सकते हो काफ़ी हैवी सा वर्क है नेक में भी, एंड ये जो फैब्रिक है ना ये सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है, ऐसा लगता है जैसे आपने सिल्क का कुर्ता पहना हुआ है, बट ये सिल्क ब्लेंड फैब्रिक है एंड काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक है ये। और यहाँ भी आप देख सकते हो स्लीव्स का पैटर्न, स्लीव्स इसके बहुत सुंदर है यार। इसमें दुपट्टा वगैरह नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसके स्लीव्स जब तक दिखेंगे नहीं, आप दुपट्टा लोगे तो दुपट्टा से ढक जाएगा ना, स्लीव्स दिखेंगे नहीं तब तक मज़ा कहाँ से आएगा। तो इसके जो स्लीव्स हैं उसी में, स्लीव्स और नेक इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी है, एंड ये इस तरह की स्ट्रेट कुर्ता है। कलर भी काफ़ी प्यारा मरून कलर है, और इसको भी आप वेडिंग पार्टीज़ वगैरह में पहनोगे तो काफ़ी प्यारे लगोगे, मतलब हैवी आइटम है ना। इसके साथ में आपको नेक पीस पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक में काम है, जस्ट हैवी ईयरिंग्स पहनो या फिर जो कुंदन वाले स्टड्स आते हैं ना बड़े वाले वो पहन लो, वो इसके साथ में बहुत अच्छे से जाएगा, क्योंकि हैवी ईयरिंग्स ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। जस्ट स्टड्स पहनो और अच्छे से मेकअप करो, और इस आउटफिट को पहन के आप किसी भी वेडिंग में जाओगे तो बहुत अच्छे लगोगे। नाउ इसमें जो बॉटम है वो भी सेम कलर में है, फुल इलास्टिक है, इसमें पॉकेट्स इसमें नहीं है, और ये देखो आप इस तरह से स्ट्रेट पैंट्स है ये, और क्वालिटी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये वाला सेट ना गाइस डेफिनेटली ट्राई करना, अगर सेल में आपको अच्छे प्राइस में मिल जाए 60-70% ऑफ में तो आप ज़रूर ट्राई करना इसको लेने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि अभी मंथ एंड से ना फिर से वेडिंग सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो वेडिंग सीजन के लिए ये वाला सूट काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका जो कलर है ना बिल्कुल वो वेडिंग और फेस्टिव वाइब्स दे रहा है। मस्टर्ड येलो टाइप का कलर है, थोड़ा सा इसमें ऑरेंज का भी हिंट है, एंड ये आप देखो इसका जो नेक का पैटर्न है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये वेडिंग वाले जो आउटफिट होते हैं ना उसमें ये वाला कट काफ़ी अच्छा लगता है। वी नेक है इसमें, स्लीव्स आपको इसमें मिल जाएंगे, फुल स्लीव्स में भी काफ़ी प्यारी लेस की डिटेलिंग है, ऑल्सो ये रेयन मटेरियल में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है। इस तरह से है ये ए लाइन कुर्ता, तो इसमें भी आप देखोगे तो इस तरह से फ्लोरल पैटर्न बनाए हुए जो कि रोज़ का ही पैटर्न है, और साथ ही में ग्रीन कलर के लीव्स है। तो इस तरह से है ये कुर्ता, जो मॉडल ने पहना था ना फोटो में बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो जब मैं पहन के दिखाऊंगी तो आपको तो समझ में आएगा ये कितना ज़्यादा खूबसूरत आउटफिट है। नाउ इसमें जो बॉटम वेयर है वो सेम इलास्टिक में है, सेम रेयन मटेरियल है, सेम प्रिंट में है, इसमें भी साइड में पॉकेट्स नहीं दिए हुए हैं, और इस तरह से है ये स्ट्रेट पैंट्स में भी नीचे देखोगे तो इस तरह की लेस लगाई हुई है। नाउ बात करते हैं इस दुपट्टा की मेन आइटम की, जो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो है ऑरेंज में बांधनी में दुपट्टा। मैंने पिंक बांधनी दुपट्टा बहुत देख लिया और बहुत हो गए मेरे पास, बट ये ऑरेंज कलर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है यार, पिंक से ज़्यादा सुंदर तो ये ऑरेंज लगता है बांधनी में। गाइस देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये बांधनी दुपट्टा, और इस कलर की साड़ी या फुल सूट हो तो कितना ही प्यारा लगेगा। तो ये दुपट्टा दिया हुआ है इस वाले सूट के साथ में, तो इस तरह से ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा इसके साथ में। मैं तो इसको पूरा ना गले में लेने वाली हूँ ऐसे करके, ताकि ये दुपट्टा ज़्यादा दिखे, इतना ज़्यादा प्रिटी है ना, बहुत ही सुंदर आउटफिट है ये। कि आप इसको चाहो ना तो हल्दी के फंक्शन में पहन सकते हो, हल्दी के फंक्शन में ये बहुत ही सुंदर लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ना हल्दी के फंक्शन में येलो और येलो के ही टोन्स पहनते हैं, तो आप भी पहनोगे ना तो उन्हीं में घुले मिले लगोगे, कुछ भी अलग सा पहन लोगे तो वो अलग ही लगने लगता है कि वो फैमिली का नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग पहनते हैं हल्दी में पीला ही। सो इस तरह से है ये दुपट्टा, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिफोन मटेरियल में बहुत ही, जो प्योर का कपड़ा होता है ना प्योर सिफोन, ये बिल्कुल और सिफोन का कपड़ा है। नाउ गाइस मेरे पास है एक बहुत ही खूबसूरत सी कॉटन की ड्रेस, एंड इस ड्रेस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी है, और इस ड्रेस में फ्लेयर इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको ये ड्रेस मन तो जरूर करेगा कि ये ले लेना चाहिए। और जब मैंने लिया हुआ था इसकी प्राइस 1500 थी, आपको इससे कम में मिल जाए तो भी सही है, और 1500 में भी मिले ना तो भी आप इसको बाय कर सकते हो। फर्स्ट तो इसका नेक का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा, वी नेक है, और यहाँ पे इस तरह से जो लाइनिंग वाली स्टिचिंग है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी लास्ट मंथ वाली मिंत्रा की वीडियो में भी मैंने आपको ये मरून ड्रेस दिखलाई थी ना, इतनी ज़्यादा सुंदर रॉयल ड्रेस है, सेम वही स्टिचिंग पैटर्न, लाइक नेक का पैटर्न जो है ना सेम वही है, और
फ्लेयर भी बिल्कुल वैसी ही है गाइस, बहुत अच्छी फ्लेयर है इस वाली ड्रेस में, बट वो थे सिल्क मटेरियल में, ये है कॉटन में। तो ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाओगे, लाइक कहीं भी जा रहे हो आप इसको आराम से डाल सकते हो, पहनने पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन मटेरियल है। साथ में इसमें स्लीव्स देखोगे तो आप हाफ स्लीव्स मिलेंगे, यहाँ पे हल्की सी इलास्टिक लगाई हुई है जो ज़्यादा टाइट नहीं लगती है। एंड इसमें बैक में यहाँ पे जिप दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जिप दिया हुआ है, तो आपको पहनने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नाउ बात करते हैं इसके कलर की, तो रेड कलर में है ये ड्रेस गाइस, और इतना प्यारा रेड कलर है ना ये, वो बिल्कुल जो बहुत ब्राइट रेड होता है ना वैसा नहीं है, काफ़ी प्यारा डिसेंट सा रेड कलर है ये। एंड इसमें वाइट फ्लोरल पैटर्न तो है ही, साथ में बीच बीच में बिल्कुल लाइट कलर के, बिल्कुल जो लाइट शेडेड कलर होता है ना रेड का, उसमें हल्का हल्का इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो ये भी ड्रेस मस्ट बाय ड्रेस है। जो ब्रांड है अनैना, इनके ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं पहनती भी हूँ अपने रेगुलर लाइफ में, मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि ड्रेसेस में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, कुछ नहीं करना, बस एक ड्रेस पहन लो और आप आराम से बाहर जा सकते हो। तो ये थी फर्स्ट ड्रेस। नाउ जो सेकंड ड्रेस है गाइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड ये थोड़ा डिफरेंट सा मटेरियल है, ये विस्कोस टाइप का मटेरियल है बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड इसका कलर देखो आप कितना यूनिक है, जो नॉर्मल आपको कलर्स मिलेंगे ना वैसा नहीं है, डिफरेंट है ये सेट, और इसमें भी वी नेक है, साथ में जो स्लीव्स है ना वो यहाँ पे हाफ स्लीव्स, और यहाँ से ये कटा हुआ है ऐसे करके, और यहाँ पे बांधने का है, तो काफ़ी सुंदर क्यूट से आपके स्लीव्स बन जाएंगे। नाउ ये भी जो ड्रेस है वो इस तरह से है, थोड़ा हाई लो पैटर्न है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ये हाई लो पैटर्न में है। फैब्रिक देखोगे ना, पूरे फैब्रिक में बीच बीच में आपको वाइट कलर की जो लाइनिंग मिलेगी, वो फैब्रिक में ही थ्रेड का काम है, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जी आप देखोगे तो इस तरह की रफल वाली डिटेलिंग है, तो ये भी एक तरह से मैक्सी ड्रेस ही लगेगी आपको पहनने पे, और ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, एंड फैब्रिक इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है गाइस, और इसको आप ऑफिस कॉलेज कहीं भी पहन करके जा सकते हो, ये बहुत ही स्मार्ट ड्रेस है। नाउ गाइस जो हमारी लास्ट आइटम है, ये है एक खादी कॉटन मटेरियल में सूट का सेट, जो बहुत ही अमेजिंग है, लाइक इसमें जो फ्लोरल पैटर्न बने हुए हैं ना, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, जो फोटो में था वो थोड़ा ब्राइट लग रहा था, बट जो सामने है ना बिल्कुल सटल वाला कलर है, ना ही एकदम डल सा है, ना ही बहुत ही ब्राइट सा है, सटल कलर है, एंड खादी कॉटन मटेरियल में है, वी नेक है जो मुझे बहुत पसंद आया, स्लीवलेस है ये, अलग से स्लीव्स नहीं मिलेंगे आपको, एंड इसमें पॉकेट्स तो नहीं दिए हुए हैं। इस तरह से है ये कुर्ता, ए लाइन पैटर्न है बट यहाँ बीच में कट है, और साथ ही में ऊपर से लेके नीचे तक ना इसमें लेस लगाई हुई है, और साथ ही में यहाँ नीचे में भी पूरे में लेस लगाई हुई है, फ्रंट एंड बैक में भी, तो ये काफ़ी सुंदर पैटर्न है और पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, खास करके अभी के वेदर में ना आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, और अभी सेल में तो ये आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी। नाउ इसमें जो बॉटम वेयर मिलेगा आपको वो इस तरह से स्ट्रेट पैंट मिलेगा, बैक में इलास्टिक है, फ्रंट में इलास्टिक नहीं है, एंड इस तरह से है ये स्ट्रेट पैंट्स। साथ ही में इसमें आप देखोगे तो बॉटम में भी यहाँ पे लेस की डिटेलिंग की हुई है, तो काफ़ी प्यारा सेट है गाइस ये। तो ये जो ब्रांड है नैना, इनके सेट्स काफ़ी प्यारे होते हैं, ड्रेसेस भी मैंने आपको दिखाए, एंड सेट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बहुत यूनिक डिज़ाइन होते हैं इनके। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस, जो कि है ब्रांड ससफराज से, प्यारा सा बीज कलर है ये, इतना सुंदर लग रहा था ना सामने से देखने पे। ऑल्सो ये मैक्सी ड्रेस है, प्लेन कलर में है, लेकिन इसमें जो स्लीव्स में फ्रिल लगाए हुए, साथ ही में जो बैक में डिज़ाइन है, उसकी वजह से ये ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बस मुझे इसका नेक थोड़ा डीप लग रहा था, तो उसको कट डाउन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक हैवी सा नेकलेस पहना हुआ है, जो इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऑल्सो ये ड्रेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें अंदर से लाइनिंग लगाई हुई है, तो मैंने अंदर में कोई भी लाइनिंग नहीं पहनी हुई है, ये ड्रेस ही है जो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं लगती है, और ये फुल लेंथ की मैक्सी ड्रेस है, पहनने में काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, वेकेशन में पहनने के लिए ये परफेक्ट ड्रेस है, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हो। सो ये थी गाइस मेरी आज की हॉल, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी आइटम के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।